हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीकॉम सेकेंड ईयर क्लासेस। पेपर सेकेंड और सब्जेक्ट हम देख रहे हैं EFM। पेपर का नाम है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टॉपिक आज हम ले रहे हैं कैपिटल बजटिंग। इससे पहले कैपिटल बजटिंग में आप 2 और 3 वीडियोस देख चुके हैं और आज के क्वेश्चन की डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, और ईयर आपको गिवन है 5, 1, 2, 3, 4 और 5। ये आपको ईयर गिवन है 2,40,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है फर्स्ट ईयर का, 2,75,000 सेकेंड ईयर के लिए हो जाता है, 2,10,000 थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए 1,80,000 और फिफ्थ ईयर के लिए आपका प्रॉफिट हो जाता है 1,60,000। तो ये आपका प्रॉफिट है और ईयर है। यू आर टू कैलकुलेट नंबर 1 एनुअल कैश फ्लो, नंबर 2 पे बैक पीरियड, नंबर 3 नेट प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंट रेट 12% पर एनम, फोर्थ आई आर आर यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंट रेट 12% और 15%। तो डिस्काउंट रेट आपको बता रखी है 12% और 15%। अब मशीन की जो कॉस्ट है वो देख लीजिए आप। कॉस्ट ऑफ मशीन आपके पास है ₹6,00,000, वर्किंग कैपिटल 80,000, लाइफ 5 ईयर, स्क्रैप 0, टैक्स रेट 30%, तो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास अवेलेबल है
वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है और आपका इनिशियल एक्सपेंसेस या कॉस्ट जो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हो जाती है वो वर्किंग कैपिटल और मनी मशीन की कॉस्ट दोनों को ऐड करके टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हो जाती है आपकी 6,80,000। ये आपके इन्वेस्टमेंट हो जाता है। मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं वर्किंग कैपिटल को, तो देखिए 6,80,000 आपकी वर्किंग कैपिटल है, ये कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड हो जाएगी और आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है 6,80,000। अब हम बात करते हैं एनुअल कैश फ्लो की, तो यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए आप सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज, ईयर है 5, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, फोर्थ और लास्ट ईयर हो जाता है आपका 5। ये आपके ईयर लिख लीजिए आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। आपको यहाँ पे क्या गिवन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, तो आप इसे लिख लीजिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। लेस कीजिए आप इसमें से पहले डेप्रिसिएशन, तो आपका आ जाएगा PBT यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस कीजिए टैक्स 30%, तो ये आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐड कर दीजिए फिर से डेप्रिसिएशन, तो आपके पास आ जाता है एनुअल कैश इनफ्लो। तो ये प्रोसीजर रहेगा एनुअल कैश फ्लो को कैलकुलेट करने का। इससे पहले कई क्वेश्चन में हम कैलकुलेट कर चुके हैं और आप उनमें देख भी चुके हैं कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन कैश कैपिटल बस्टिंग से देखिए मैं आपको बता दूं कि हर साल एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा अच्छा है कि आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से करें और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे कीजिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फर्स्ट ईयर का है आपके पास 2,40,000, सेकेंड ईयर में 2,75,000 हो जाता है, थर्ड ईयर का है 2,10,000, फोर्थ ईयर में 180 और फिफ्थ ईयर का है 1,60,000। ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है। अब इसमें से डेप्रिसिएशन लेस कीजिए, तो डेप्रिसिएशन के लिए जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे वो हो जाता है आपका कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, ये आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो मशीन की कॉस्ट आपके पास हो जाती है 6,00,000, इसमें से आप लेस कर दीजिए स्क्रैप वैल्यू 0, लाइफ आपकी हो जाती है 5, तो आपका जो डेप्रिसिएशन आ जाता है वो आ जाता है 1,20,000। तो 1,20,000 ये डेप्रिसिएशन हो जाता है, आप डेप्रिसिएशन को लेस कर दीजिए, अब आपके पास जो वैल्यू बचेगी डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद उसे हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 2,40,000 में से 120 लेस किया तो आपने पास 120 बचा, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। 275 में से आप लेस कर दीजिए 120 तो आपके पास बचेगा 1,55,000। इसी तरीके से 210 में से लेस कीजिए 120 तो 90,000 आपका प्रॉफिट बच जाता है बिफोर टैक्स। 180 में से 120 लेस करेंगे 60,000 बिफोर टैक्स बचेगा और यहाँ पे आपके पास बच जाता है 40,000 बिफोर टैक्स। 30% टैक्स लेस कीजिए तो 1,20,000 का 30% हो जाता है आपके 36,000। का 30% आप कैलकुलेट कर लीजिए 46,500 हो जाता है और बचा हुआ अमाउंट आ जाता है 1,08,500। इसी तरह 120 में से लेस कर दीजिए आप 36 तो 84,000 आफ्टर टैक्स। 90,000 का 30% हो जाता है 27,000 और 90 में से 27 लेस कर देंगे तो 63,000 ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आ जाता है आपका। 60,000 का 30% हो जाता है 18,000,
60 माइनस आप 18 कर दीजिए, 42,000 आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है, 40,000 का 30% हो जाता है 12,000, लेस कर दीजिए तो 28,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन जाता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने कैलकुलेट कर लिया, अब आप जो डेप्रिसिएशन आपने लेस किया था वापस से ऐड कर दीजिए तो आपका कैश इन फ्लो आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन जो हमने लेस किया था वो था 1,20,000, इसे ऐड करते चलिए आप, तो देखिए 120 प्लस 84 ये आपका हो जाता है 2,04,000। इसी तरह सेकंड ईयर का हो जाता है 108,500 प्लस 1,20,000 2,28,500, ये कैश इनफ्लो हो जाता है। 120 प्लस 63 ये हो जाता है आपका 1,83,000 कैश इनफ्लो। 42 प्लस 120 ये हो जाता है 1,62,000 एनुअल कैश इनफ्लो। 28 प्लस 120 हो जाता है 148, ये कैश इनफ्लो हो जाता है। तो एनुअल कैश इनफ्लो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आपके पास है 2,04,000, 2,28,500, 1,83,000, 1,62,000, 1,48,000, ये आपके पास एनुअल कैश फ्लो आ जाता है। अब आप पे बैक पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पे बैक पीरियड आपके पास हो जाता है, पे बैक पीरियड के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट फार्मूला, फर्स्ट आपके पास कैलकुलेशन करना था एनुअल कैश फ्लो, तो एनुअल कैश फ्लो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है पे बैक पीरियड, तो पे बैक पीरियड के लिए आपको फार्मूला यूज़ करना होगा, और फार्मूला यूज़ करने के लिए हमें स्पेस चाहिए, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। तो देखिए पे बैक पीरियड, कंप्लीटेड ईयर ले लेंगे आप, ईयर प्लस इन्वेस्टमेंट माइनस, इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देंगे आप क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, बिफोर पे बैक पीरियड, बिफोर पे बैक अपॉन एनुअल कैश इनफ्लोज ऑफ पे बैक ईयर, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब कुमुलेटिव कैश फ्लो आपको पहले इसके लिए देखने होंगे, तो जो कैश फ्लो आपने कैलकुलेट किया है वो हम रहने देते हैं। तो देखिए ये और ये दोनों तो हमारे किसी काम के नहीं है, हमारे काम में ज़्यादा से ज़्यादा ये दो चीज़ें आ सकती है। तो ये जो आपने एनुअल कैश फ्लो कैलकुलेट किया है इसे हम यहाँ पर रख लेते हैं, एनुअल कैश फ्लो जो आपने कैलकुलेट किया है इसे हम यहाँ पर रख लेते हैं, एनुअल कैश इनफ्लोज 2,04,000 है फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर का हो जाता है 2,28,500, 1,83,000 हो जाता है थर्ड ईयर में, 1,62,000 और लास्ट ईयर का हो जाता है 1,48,000। तो ये आपका कैश इनफ्लो था, एनुअल कैश इनफ्लो है जो आपने कैलकुलेट किया है, इसको हमने अलग रख दिया जिससे कि जब भी हम यूज़ करना चाहें कर सकें, बाकी सारी चीज़ें बेकार हैं हम यहाँ से हटा देते हैं। फिर भी आप बाकी सारी चीज़ें अगर नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट वीडियो का ले सकते हैं, और अपनी सुविधा अनुसार जब भी आपको टाइम मिले आप नोट कर सकते हैं। फॉर्मूला पे बैक पीरियड का मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो अब देखिए ईयर हम लिख लेते हैं 1,2,3,4,5 आपका एनुअल कैश फ्लो,
2,04,000 फर्स्ट ईयर में था, 2,28,500 सेकेंड ईयर का था, 1,83,500 बस 1,83,000 थर्ड ईयर के लिए, 1,62,000 फोर्थ ईयर, 1,48,000 था फिफ्थ ईयर के लिए। कुमुलेटिव कैश फ्लो अगर आपको देखना हो तो देखिए ऐड करते चलिए कैश फ्लो को, फर्स्ट ईयर का 2,04,000 ही हो जाएगा, 2,04,000 और 2,28,500 दोनों को ऐड कर दीजिए, तो जब 2,04,000 में ऐड कर देंगे सेकंड ईयर का कैश फ्लो 2,28,500 तो ये हो जाता है 4,32,500, ऐड कर दीजिए 1,83,000 तो ये हो जाता है 6,15,500, इसमें ऐड कर दीजिए 1,62,000 तो ये हो जाता है 7,77,500 और इसमें ऐड कर दीजिए 1,48,000 तो ये हो जाता है 9,25,500 कैश इन फ्लो। अब अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहें तो आप कंप्लीटेड ईयर देखिए, आपके मशीन कॉस्ट है 6,80,000 तो 6,80,000 जो कॉस्ट है इससे ठीक अपर वाला ये आपका मॉडल ग्रुप हो जाता है, जैसे फर्स्ट ईयर में आप मीडियन कैलकुलेट कर देते हैं ठीक उसी तरीके से कंप्लीटेड ईयर देखिए कितने हैं, तो कंप्लीटेड ईयर आपके पास 3 है, ये जो ईयर है ये कंप्लीटेड हो चुके हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे लास्ट कंप्लीटेड ईयर 3 है तो आप वो ले लीजिए कंप्लीटेड ईयर 3। अब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपके पास कितना है 6,80,000 माइनस कीजिए, अब क्या माइनस करेंगे आप कुमुलेटिव कैश फ्लो बिफोर पेबैक पीरियड, तो यहाँ पे आपका पेबैक पीरियड होगा जब आएगा थर्ड ईयर के बाद और फोर्थ ईयर दोनों के बीच में होगा, तो इसका मतलब ये जो है ये कैश फ्लो बिफोर कुमुलेटिव कैश फ्लो है बिफोर पेबैक पीरियड, तो इस पीरियड से पहले यही है तो यानी कि बिफोर पेबैक पीरियड हो जाता है 6,15,500 अपॉन, अब दे रखा है एनुअल कैश इनफ्लो, तो एनुअल कैश इनफ्लो ये है और इसमें कौन सा है तो ये दे रखा है एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ पेबैक ईयर, अब पेबैक ईयर कौन सा होगा थर्ड ईयर के बाद होगा तो यानी कि फोर्थ ईयर आपका पेबैक होगा, तो इसका कैश इनफ्लो है 1,62,000 तो ये ले लीजिए, तो 3+ अब आप देख सकते हैं 6,80,000 में से लेस कीजिए आप 6,15,500 तो आपके पास बचेगा 64,500, इसमें आप डिवाइड कर दीजिए 1,62,000 का तो आपके पास बच जाता है 3.398 ईयर, तो 0.398 था 3+ 0.398 था, जब आपने इसको ऐड किया तो ये आपके पास आ जाता है 3.398 ईयर, तो इस तरीके से आप पेबैक ईयर को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बात आती है प्रेजेंट वैल्यू की या नेट प्रेजेंट वैल्यू की, तो देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप एनुअल कैश फ्लो को मल्टीप्लाई कर देंगे पीवी फैक्टर से और पीवी फैक्टर आप किस रेट से निकालेंगे, तो देखिए आप एनुअल कैश फ्लो और पेबैक पीरियड कैलकुलेट कर चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए 12% की रेट से आप पीवी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए अब पीवी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए ये अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं, एनुअल कैश फ्लो की आपके पास ज़रूरत फिर से रहेगी क्योंकि एनुअल कैश फ्लो को ही मल्टीप्लाई करेंगे आप पीवी फैक्टर से, लेकिन कुमुलेटिव कैश फ्लो की आपको ज़रूरत नहीं होगी इसलिए यहाँ से इसको हटा देते हैं। एनुअल कैश फ्लो फिर से काम में आ जाएगा तो इसको यहाँ पर हटाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि इसको हम रख लेते हैं। अब हमें चाहिए 12% की रेट से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फॉर्मूला लगाएंगे 1/1 प्लस रेट, रेट है 12%
यानी कि 12/100 और सॉल्व करेंगे तो 0.12, तो 1/1 + 0.12 ये आपका हो जाता है, और इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 1/1.12 ये हो जाएगी। अब आपको पीवी फैक्टर कैलकुलेट करने हो तो देखिए 1/1.12 ये हो गई, यानी कि आपने ये लिखा इज इक्वल्स टू का साइंस साइन ट्रेस किया तो आपके पास रेट आ जाती है 0.892। आप इसे एक ज़्यादा ले सकते हैं। सेकंड हो जाती है 0.797, थर्ड हो जाती है 0.711, 12 ले सकते हैं आप इसे। फोर्थ हो जाती है 0.635 और लास्ट हो जाती है 0.567। तो ये आपकी पीवी फैक्टर की रेट आ जाती है। अब फिफ्थ ईयर में जो ये वर्किंग कैपिटल है, ये जो वर्किंग कैपिटल है इसे हम लास्ट में फिर से लेते हैं। वर्किंग कैपिटल आपकी हो जाती है 80,000 और इसका जो पीवी फैक्टर होता है फिफ्थ ईयर का, क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल का मतलब इस खर्चे की बचत हो जाएगी, जब आप इस मशीन को सेल कर देंगे तो दोबारा होंगे नहीं एक्सपेंसेस। तो 0.567 वर्किंग कैपिटल के लिए जो पीवी फैक्टर यूज़ करते हैं वो लास्ट ईयर का पीवी फैक्टर यूज़ करते हैं। अगर इस केस में हमारे पास लास्ट ईयर 6 होते तो 6 ईयर का हम पीवी फैक्टर यूज़ करते, और अगर 10 साल होते तो लास्ट ईयर 10 साल का जो पीवी फैक्टर आता वो हम यूज़ करते। तो वर्किंग कैपिटल को मल्टीप्लाई करने के लिए लास्ट ईयर का जो पीवी फैक्टर होता है हमेशा उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो वर्किंग कैपिटल हमारे पास 80,000 थी, वो हमने यहाँ पे एनुअल कैश फ्लो में लिखी, प्लस जो पीवी फैक्टर था वो लास्ट ईयर का पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है, इसलिए इसको लास्ट ईयर के पीवी फैक्टर को हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब ये आपका पीवी फैक्टर है, ये एनुअल कैश फ्लो है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। टू लैख 4,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.893 से तो आपके पास आ जाता है 1,82,172। 228,500 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.797 से तो ये आपके पास आ जाता है 1,82,115। 1,83,000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.712 से तो आपके पास आ जाता है 1,30,100,296। 1,62,000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.635 से तो ये हो जाता है 1,02,870। 1,48,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 0.567 से तो ये आपके पास हो जाता है 83,916। और 80,000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.567 से तो ये हो जाता है आपके पास 45,360। टोटल कर लीजिए, ये आ जाएगी आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू। ये आपके पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है, इसमें से लेस कर दीजिए आप इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपके पास है 6,80,000। यहाँ पे देखिए आपको इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 6,80,000 आपका इन्वेस्टमेंट है, लेस कर दीजिए आप तो आपके पास 46,729 ये आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला अगर आप लिखना चाहें, वैसे पहले आपको बता दिया है मैंने, टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। टीपीवी का मतलब यहाँ पे टोटल प्रेजेंट वैल्यू है, और 46,729 ये आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। अब हम बात करें आईआरआर की, तो देखिए आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए आपको
12% और 15% की रेट पे पीवी फैक्टर कैलकुलेट करने हैं। तो 12% की रेट पे तो हमने पीवी फैक्टर कैलकुलेट कर लिए, अब 15% की रेट से हमें और कैलकुलेट करने हैं। तो 15% की रेट से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला यही यूज़ करेंगे पी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए, 1/1+rate। 15% का मतलब हो जाता है 15/100, मतलब 0.15। तो 1/1+0.15 जब करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/1.15 इज इक्वल टू, तो 1/1.15 ये आपके पास पीवी फैक्टर आ जाता है 15% डिस्काउंट रेट से, 0.869, यानी कि 870 ले लीजिए आप। सेकंड ईयर का हो जाता है 0.756, थर्ड ईयर का हो जाता है 0.657, फोर्थ ईयर के लिए हो जाता है 571, 0.497, और लास्ट ईयर के लिए तो ये सेम रहेगा वर्किंग कैपिटल के लिए 497। तो देखिए 15% की रेट से हमने पीवी फैक्टर कैलकुलेट कर लिए, 12% की रेट से भी हमारे पास पीवी फैक्टर है। अब हम प्रेजेंट वैल्यू फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया आपने, हम कैलकुलेट कर रहे हैं IRR। अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। IRR के लिए आपको दो रेट दी हुई है, 15% और 12%। तो ये आपका हो जाता है लोअर डिस्काउंट रेट और ये आपका हो जाता है हायर डिस्काउंट रेट। तो ये जो 12% है ये LDR कहलाएगा, ये 15% जो है HDR कहलाएगा। इससे जो वैल्यू आई वो P1, और इससे जो वैल्यू आएगी उसे हम P2 कह देते हैं। एनुअल कैश फ्लो की अब आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ये सब हटा देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके पास एनुअल कैश फ्लो। एनुअल कैश फ्लो को अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ये जो 15% डिस्काउंट रेट है इससे, तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, वो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी सॉरी, ₹2,04,000 × 0.870 आ जाता है, ₹2,28,500 को मल्टीप्लाई किया हमने 0.756 से, तो ये हो जाता है 1,72,746। 1,83,000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.657 से, तो ये आपके पास आ जाता है 1,20,231। ₹1,62,000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.571 से, तो ये आपके पास आ जाता है 92,502। और इसी तरह 1,48,000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.497 से, तो ये आपके पास आ जाता है 73,556। और 80,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.497 से, तो ये आ जाता है 39,760। टोटल कर लीजिए 1,77,480 प्लस 1,72,746, 1,20,231, 92,502, 73,556 और 39,760, ये हो जाता है 6,76,275। ये आपका P2 हो जाता है। तो आपने P1 और P2 कैलकुलेट कर लिया, अब आप कैलकुलेट कर रहे हैं IRR। फार्मूला आपको बता देता हूँ, तो IRR कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं LDR प्लस इन्वेस्टमेंट माइनस P1 माइनस इन्वेस्टमेंट, P1 माइनस P2 और HDR माइनस LDR। तो देखिए LDR आपकी हो जाती है 12%, P1 आपके पास था
726,729 माइनस इन्वेस्टमेंट 6,80,000। P1 फिर से ये यूज़ हो जाएगा 726,729 माइनस P2 हो जाता है 6,76,975। और HDR 15% माइनस LDR 12%, तो ये हो जाता है 3%। अब यहाँ पे आपके पास बचता है 726,729 माइनस 6,80,000, तो ये आपके पास बच जाता है 723,004। हो ही नहीं सकता इतना, तो 726,729 में से आप माइनस कर दीजिए 6,80,000, 46,729 बचेगा। 726,729 में से लेस कीजिए आप 676,275, ये बचेगा 50,454, प्लस कीजिए 12%, तो 46,729 × 3 / 54,744 ये आपके पास बचता है 12% प्लस 2.77 या 78, टोटल आ जाता है 14.78%। तो आपकी जो IRR है वो आ जाती है 14.78। और IRR का पूरा नाम हम बता देते हैं आपको, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस तरीके से आप एनुअल कैश फ्लो, पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू और IRR को कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैपिटल बस्टिंग में इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, मुझे नहीं लगता कि अब आपको उनमें कोई प्रॉब्लम होगी। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चंस सेंड कर सकते हैं, उनको हम निश्चित रूप से जल्द सॉल्व करके आप तक वीडियो अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करते रहिए, फिर मिलते हैं, सी यू अगेन। हाँ, तो देखिए कैपिटल बस्टिंग हम देख रहे हैं। और कैपिटल बस्टिंग में जो क्वेश्चन है उसकी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें आपको ARR कैलकुलेट करना है। यू आर टू कैलकुलेट ARR, मतलब आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करनी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन जो आपको गिवन है वो है 5 ईयर के लिए, ईयर आपको गिवन है 1, 2, 3, 4 और 5। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन आपके पास है 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 और 10,000। टैक्स की रेट आप 30% अज्यूम कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन ₹25,000 है। सेविंग की अगर बात करें या स्क्रैप वैल्यू की बात करें तो 5,000 है, स्क्रैप 5,000 है, लाइफ 5 ईयर है ही, तो आपको ARR कैलकुलेट करनी है। तो देखिए ARR कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
आपको लेना है वो भी एवरेज। तो देखिए एआरआर का फार्मूला देख लेते हैं हम कि एआरआर का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आप लेते हैं, इसमें आप डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट का और इनटू 100। अब बात करें एवरेज इन्वेस्टमेंट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस स्क्रैप अपॉन टू ये आप काम में ले सकते हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीन हमारे पास हो जाती है 25,000, स्क्रैप वैल्यू हो जाती है 5,000 डिवाइडेड बाय टू ये हमारे पास हो जाता है 15,000। अब हम बात करें कि प्रेजेंट वैल्यू आपको किस तरीके से यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है एआरआर यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट ईयर यहाँ पे हम लिख लेते हैं ईयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ज़्यादा अच्छा है आप ईयर इस तरीके से लिखें 1, 2, 3, 4 और 5। ये आपके पास ईयर आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाता है आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन आपके पास है 5, 6, 7, 8, 10, 5,000, 6,000, 7, 8 और 10,000। इसमें से लेस करेंगे हम पहले डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालेंगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ ये फार्मूला आप यूज़ कर लेते हैं, अब तक आपको याद हो चुका होगा ये फार्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, ये फार्मूला आप यूज़ कर लेंगे डेप्रिसिएशन के लिए। तो मशीन की कॉस्ट हो जाती है आपकी 25,000, स्क्रैप है 5,000 अपॉन लाइफ 5, तो 25 माइनस 5 20 20 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाता है 4,000, ये आपके डेप्रिसिएशन आ जाता है। तो डेप्रिसिएशन आप 4,000 लेस करते चलिए सब में से, $1,000, $2,000, $3,000, $4,000 और $6,000 ये आपके पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेस कीजिए इसमें से टैक्स, टैक्स आपके पास था 30%, तो 300 रुपये इस केस में हो जाता है, यहाँ पे 600 रुपये हो जाता है, यहाँ पे 900 रुपये हो जाता है। 1000 का 30%, 2000 का 30%, 3000 का 30%, 4000 का 30% हो जाता है 1200 और 6000 का 30% हो जाता है 1800। और इस तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये आपके पास आ जाता है 700, 1400, 2100, 2800 और 2200। तो ये आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं, एवरेज प्रॉफिट लेना है आपको। तो एवरेज प्रॉफिट आप कैसे लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, नंबर ऑफ ईयर अपॉन टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, टोटल पीएटी टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर। इसके थ्रू आप एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट के लिए आप जितने भी आपके पास प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किए हैं यहाँ से यहाँ तक इन सब का टोटल कर लीजिए और फिर डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर का। तो देखिए 700 प्लस 1400 प्लस 2100 प्लस 2800 प्लस 4200, तो आपके पास टोटल हो जाता है 11,200, नंबर ऑफ ईयर है 5, तो आप 5 का डिवाइड कर दीजिए 2240, ये आपके पास आ जाता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
तो अब हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास है 2240 अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट है आपके पास 15,000 इंटू 100, तो आपके पास ARR आ जाती है 14.93%। तो इस तरीके से आप ARR को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इसी क्वेश्चन में आपको कह दिया जाए कि आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए या नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और डिस्काउंट फैक्टर आपको दिया हुआ है 10%। तो देखिए डिस्काउंट रेट आपको दे रखी है 10% और आपको कैलकुलेट करनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो आप इस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें चाहिए होता है एनुअल कैश फ्लो। क्वेश्चन में हमें एनुअल कैश फ्लो नहीं दे रखा है लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हम एनुअल कैश फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल ARR आपने कैलकुलेट कर ली है, ARR आपकी आई 14.93, तो इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। देखिए ये आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर आप ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, जितना डेप्रिसिएशन आपने लेस किया था उतना ऐड कर दीजिए, तो आपके पास एनुअल कैश फ्लो आ जाएगा। डेप्रिसिएशन हमने 4,000 लेस किया था, तो 4,000 आप फिर से ऐड कर दीजिए डेप्रिसिएशन। तो 4,700, 5,400, 6,100, 6,800 और 8,200, ये हमारा एनुअल कैश फ्लो हो जाता है, कैश इनफ्लोज। ये एनुअल कैश इनफ्लोज को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रेजेंट वैल्यू से या पीवी फैक्टर से। तो पीवी फैक्टर हमारे पास 10% की रेट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया था 1/1 प्लस रेट फार्मूला होता है, तो 1/1 प्लस 0.10 ये आप ले लेंगे और आगे जाके ये हो जाता है 1/1.10। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं पीवी फैक्टर 5 ईयर के लिए। तो देखिए 1/1.10 फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर आपके पास आता है 0.909। इसी तरह सेकंड ईयर का आएगा 0.826। थर्ड ईयर के लिए आपके पास आ जाता है 0.751। और 1/1.1 फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ ईयर के लिए आ जाता है 0.683 और फिफ्थ ईयर के लिए हो जाता है ये 0.621। ठीक है, तो देखिए आपके पास एनुअल कैश फ्लो है और पीवी फैक्टर भी है। अगर एनुअल कैश फ्लो को पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। तो 4700 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.909 से, ये आपके पास हो जाता है 4273। 5400 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.826 से, तो ये आपके पास हो जाता है 4460। 6100 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.751 से, तो ये हो जाता है 4581। और 6800 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.683 से, तो ये हो जाता है 4645। और 8200 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.621 से, तो ये हो जाता है 5092। आप प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कर लीजिए, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये 5 ईयर की, इन सबका टोटल कर लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू
इसमें से आप लेस कर दीजिए इन्वेस्टमेंट, तो आपके पास जो बचेगा उसे हम कहेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो देखिए इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। 4273 प्लस 4460 प्लस 4581 प्लस 4645 और 5092, ये सब आपके पास हो जाते हैं 23051। इसमें से लेस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ मशीन, तो कॉस्ट ऑफ मशीन है आपके पास 25,000। अरे स्क्रैप भी है आपके पास, तो स्क्रैप आपको लास्ट में मिल जाएगा 5,000। स्क्रैप को हमेशा लास्ट ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रैप था 5,000, इसको लास्ट ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 621 से, तो ये आपके पास आ जाता है 5,000 इंटू 0.621, ये हो जाता है 3105। ऐड कर दीजिए आप 23051 में, ये टोटल हो जाएगा आपका 26,156। लेस कर दीजिए इन्वेस्टमेंट 25,000, तो आपके पास 1,556। क्या है भाई, 25,000 लेस कर दो तो 1,156, ये आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम ARR और नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो स्क्रैप है, स्क्रैप को आप लास्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू से इंटू कर दीजिएगा, जिस तरीके से हम वर्किंग कैपिटल को इंटू करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल और स्क्रैप अगर दोनों हो तो दोनों के दोनों इंटू होगी, और किससे इंटू होगी, लास्ट ईयर का जो पीवी फैक्टर होता है, हमारे केस में लास्ट ईयर का पीवी फैक्टर 0.621 है, तो इससे ही इंटू करेंगे हम। इस तरीके से आप नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस तरीके जो और क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में अब आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ जल्दी ही। थैंक यू, सी यू सो।